नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। बिहार की राजधानी पटना के गायघाट के पास उत्तर रक्षा गृह से निकली एक युवती ने अधीक्षक वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाया है। युवती ने आरोप लगाया है कि उत्तर रक्षा गृह में अधीक्षक वंदना गुप्ता युवतियों को नशे का इंजेक्शन देकर अवैध कारोबार में जाने के लिए मजबूर करती है। साथ ही अधीक्षक के द्वारा महिलाओं को देह व्यापार में धकेलने पर मजबूर किया जाता है। वहीं जब रक्षा गर्म है, महिलाएं आनाकानी करती है तो उन्हें अलग अलग प्रताड़ना देकर मानसिक परेशान किया जाता है। वहीं गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जो महिलाएं अधीक्षक का कहना नहीं मानती हैं, उन महिलाओं का खाना पीना बंद कर दिया जाता है, साथ ही साथ उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी दी जाती है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ पिटाई की जाती है। वहीं पीड़ित बालिका ने पूरे मामले को बताते हुए कहा कि महिला गृह रक्षा अधीक्षक वंदना गुप्ता के द्वारा वहां गृह रक्षा में मौजूद सभी महिलाओं के साथ बर्बरता की जाती है। वहीं पीड़ित बालिका ने बताया कि इस शोषण के चलते बालिका ने कई बार आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। वहीं शरीर पर कई गंभीर चोट होने के निशान भी बताए। वहीं महिला गृह रक्षा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कई सवालों को खड़ा कर रही है। साथ ही साथ महिलाओं के साथ दुराचार के गंभीर आरोपों के बाद यदि निष्पक्ष जांच की जाए तो आगे और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा सकती है। संवाददाता बिरजू ठाकुर की रिपोर्ट। हाँ बताओ बेटा, वहाँ तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? वहाँ पे मरने के लिए जाए, वहाँ पे मतलब अभी अगर हम वंदना गुप्ता के खिलाफ हम बोल रहे हैं ना, तो हम जाएंगे तो हमें जान से मार देगी। अच्छा, वहाँ मार दिया जाता है? हाँ, जान से मार दो। तुमने देखा है वहाँ? हाँ, पहले कभी हुआ है? हसीना को फांसी लगा दिया गया था। वो बेचारी मतलब अभी तक तो उसका पागलखाने में कंकाल उंकाल होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे किया गया था। तो हसीना सुसाइड नहीं की थी? नहीं, उसको मारा गया था। वो मतलब अपनी जिंदगी जीना चाहती थी कि हम भी बाहर, कब तक 10 साल लड़कियां रहती हैं पक जाती हैं कि हम भी अपनी जिंदगी जिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे बोलते हैं कि आती हो कानून की तरफ से, लेकिन जाओगी वंदना गुप्ता की तरफ से। अच्छा, और मरियम क्या बता रहे थे? मरियम और एक और लड़की थी, मतलब उसका मतलब बहुत छोटा बच्चा था कि उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके गई, क्योंकि कह रही है कि मतलब पैसा देगी, वो 400 हज़ार मांग रही थी कि पैसा नहीं देगी जब तक हम नहीं भेजेंगे तुम्हें, तो वो वहीं पे हॉस्पिटल में नहीं भेजी। 10 दिन से वो